बैक, मैं बैक इसलिए कहूँगा क्योंकि पांच वीडियो के बाद हम एक बार इन पांचों वीडियो की समरी लेके आपके सामने आए हैं। जिन्होंने पहले पार्ट से पांचवें पार्ट तक का पूरे वीडियोस देखे हैं उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट। आज हम लोग बात करेंगे, हमने जो शुरुआत से पढ़ा हुआ है अब तक पिछले चार पाँच वीडियो तक, उन पाँच वीडियोज़ की प्रैक्टिस और उनका पूरा रिपीट, क्योंकि जब तक रिवाइज नहीं होगा कोई भी कोर्स अधूरा है। बात करेंगे हम लोगों ने जो शुरुआत किया है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इंग्लिश घर में बैठकर आराम से सीखना है। आप पहले इन सब वीडियोस को देख लें, समझ लें, उसके बाद अगर कुछ आपको लगता है डाउट या कुछ है तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा कि मैं सबके जवाब दे पाऊँ। इन चीज़ों में जो हमने पाँच चीज़ों में पढ़ा है, पाँच वीडियोज़ में पढ़ा है, उन पूरे वीडियोस को हम लोग एक छोटा सा रिपीट कर रहे हैं। इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा पूरा समझ में आए पांच वीडियो का सार क्या है। ए फॉर अपर टू जेड फॉर जेब्रा, जिसमें ए ई आई ओ यू हमारे वोवल और बी से लेकर जेड तक जो कॉन्सोनेंट है उनसे कॉम्बिनेशन से हमने वर्ड बनाया और वर्ड से सेंटेंस बनाया। सेंटेंस हमारे दो, क्वेश्चन एंड आंसर, आंसर्स दो, यस नो, क्वेश्चन चार, यस नो यस नो। नॉर्मल आंसर को हमने एफर्मेटिव, नहीं वाले को नेगेटिव, नॉर्मल क्वेश्चन को इंटरोगेटिव, नहीं वाले को नेगेटिव इंटरोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड वाले को क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव और नहीं वाले को क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव इंटरोगेटिव कहा। इन छह सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम लोगों ने एक सेंटेंस का फॉर्मूला देखा जिसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट तैयार होता है। कॉम्प्लीमेंट तैयार करने के लिए आपने प्रोपोजिशन का वीडियो देखा है, आपने देखा है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट में प्रोपोजिशन लगा देते हैं तो वो ए और बी हिंदी में होता है जबकि इंग्लिश में वो बी और ए हो जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ, पुराने वीडियोज अगर आपने नहीं देखे हैं तो ये देखना व्यर्थ है। और उसके बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट को जब हम सेट करते हैं तो हमारी इतनी चीज़ें तैयार होती हैं। देखिए हम अगर हम देखेंगे कि हमारे किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट अगर सभी चीज़ें होंगी तो वो टेंस या मॉडल से बनेगा। हमारा सेंटेंस हमारा टू बी वर्ब का तब बनेगा जब उसमें वर्ब नहीं होगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग ऑफ, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं बट वर्ब नहीं होगा। जहाँ हम किसी चीज़ का होना बताते हैं, फिर कह रहा हूँ वीडियो नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। उसके बाद बात करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस की जिसमें वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट होता है लेकिन सब्जेक्ट, हेल्पिंग ऑफ नहीं होता। इन चीज़ों के कॉम्बिनेशन को अगर हम सेट करते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रपोजिशन के हेल्प से लगाते हैं, याद है ए और बी, बी ए मतलब घर, मैं, इन हाउस, कार से, बाय कार, ट्रेन से, बाय ट्रेन, ऑफिस में, इन ऑफिस, टेबल पर, ऑन टेबल, मेरे लिए, फॉर मी, ये प्रपोजिशन। इन प्रपोजिशन को जब हम सेट करते हैं तो हमारी जो चीज़ तैयार होती है वो कॉम्प्लीमेंट तैयार होती है और सेंटेंस हमारा तैयार हो जाता है। जब एक सेंटेंस तैयार हो जाता है तो इन सेंटेंस में एस 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 प्लस मतलब सेंटेंस प्लस सेंटेंस प्लस सेंटेंस प्लस सेंटेंस आपस में क्वेश्चन आंसर के जो भी सेंटेंसेस रहेंगे उनको कनेक्ट हम करेंगे, वो भी किसकी हेल्प से, कंजंक्शन की। सेंटेंस के जंक्शन को आपस में कनेक्ट करने वाला वर्ड कंजंक्शन, जिसको कनेक्ट करते हैं जैसे दैट्स वाई, इसलिए, क्योंकि, बिकॉज, सो दैट, ताकि, जिससे कि, दैट, पर, परंतु, बट, ये भी हमने पढ़े हैं। मैं फिर कह रहा हूँ पुराने वीडियोस में ये सब दिया हुआ है। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो हमने चार वीडियोस में पांच वीडियोस में पढ़ा है इसका पूरा हमारा रिपीट रहा। अब हम इनके सेंटेंस के हेल्प से, मदद से हम अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं, इसकी मदद से, इसकी मदद से और इसमें। इसमें आपको मैं बता दूँ कि इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं ये मॉडल है हमारे। अगर हम मॉडल में हेल्पिंग वर्ब की जगह पर यहाँ पर किसी सेंटेंस में सकता है लगा देते हैं तो वो हमारा इंग्लिश में कैन मॉडल यूज होता है। चाहिए शब्द अगर हम लगा देते हैं कि काम करना चाहिए, वहां पर हम इंग्लिश में शुड लगा देते हैं। अगर मैं इसकी बात करूंगा कि मैं सका लगा देता हूं, सका या पाया मीन्स पास्ट में किसी व्यक्ति की कैपेसिटी को बता देता हूं तो वहां पर मैं कुड का यूज करता हूं तो वो हमारा हो जाता है सका पाया के लिए कुड। कैन, कुड, शुड, ये तीन टू बी वर्ब इंपेरेटिव। इन पांचों की प्रैक्टिस मैं भी आपको करा रहा हूँ, प्रपोजिशन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ और कंजंक्शन की प्रैक्टिस, ताकि आपका सेंटेंस पूरा तैयार हो और आप सीखें कि पांच वीडियो के बाद कुछ सीखे हैं या नहीं। कमेंट जरूर दें मुझे सीखे हैं या नहीं। ठीक, इनकी प्रैक्टिस मेरे साथ, पहले हम इंपेरेटिव को देखते हैं। मेरे साथ बोलेंगे आप जाओ, गो। जब मैं बोलूंगा जाओ और मैं बोलूंगा गो तो मेरे बोलने में, मैं अगर बोलूंगा गो तो आपका भी सुनते समय मुँह से गो निकलना चाहिए। मैंने कहा जाओ, गो, आओ, कम, देखो, सी। नेगेटिव पे जाता हूँ, मत जाओ, डोंट गो, मत आओ, डोंट कम, मत देखो, डोंट सी। अगर मैं बोलूँगा कृपया जाइए या जाइए, कई बार हम कृपया नहीं बोलते हैं बट हम जाइए अगर बोलते हैं वो भी पोलाइट, जाइए प्लीज़ गो, आइए प्लीज़ कम, पढ़िए प्लीज़ रीड, मिलिए प्लीज़ मीट। अगर मैं मना करूँगा तो मैं बोलूँगा
अगर मैं मना करूंगा तो मैं बोलूंगा मत जाइए, प्लीज डोंट गो, मत आइए, प्लीज डोंट कम। मैं चारों के साथ बोलता हूं, आप कोशिश करिएगा, जाओ गो, मत जाओ डोंट गो, जाइए प्लीज गो, मत जाइए प्लीज डोंट गो, आओ कम, मत आओ डोंट कम, आइए प्लीज कम, मत आइए प्लीज डोंट कम, देखो सी, मत देखो डोंट सी, देखिए प्लीज सी, मत देखिए प्लीज डोंट सी, मिलो मीट, मत मिलो डोंट मीट, मिलिए प्लीज मीट, मत मिलिए प्लीज डोंट मीट। इंपेरेटिव टू बी वर्ब की बात करें तो इसमें अपने आसपास की चीजों को बताने के लिए हम, अपने पास कोई चीज है बिल्कुल नजदीक तो हम बोलेंगे दिस, कोई चीज दूर है तो हम बोलेंगे दैट। अगर हम कहीं पर कोई चीज बताते हैं और वहां ये और वो शब्द नहीं बोलते हैं वहां हम देर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देता हूँ, ये मेरा टेबल है, दिस इज माई टेबल, वो मेरा टेबल है, दूर है, वो मेरा टेबल है, दैट इज माई टेबल। अब मैंने बोला एक टेबल है, कहीं पर होगा, रूम में, ऑफिस में, क्लास में, हॉल में, किचन में, कहीं होगा, तो मैंने बोला देर इज अ टेबल। हमने बोला किचन में, किचन में, इन किचन, प्रपोजिशन आ गया, एक टेबल है किचन में, देर इज अ टेबल इन किचन। एक लड़का है ग्राउंड पर, देर इज अ बॉय ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पर। शहर में एक लड़का है, देर इज अ बॉय इन सिटी। तो अपने आसपास की चीजों को बताने के लिए हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखें, ये मेरा घर है, दिस इज माय हाउस, तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माय फ्रेंड, ये मेरा काम है, दिस इज माय जॉब, ये तुम्हारा घर है, दिस इज योर हाउस, ये तुम्हारा चेयर है, दिस इज योर चेयर, ये तुम्हारा पेन है, दिस इज योर पेन, तुम मेरे भाई हो, यू आर माय ब्रदर, ये मेरी बहन है, दिस इज माय सिस्टर, या शी इज माय सिस्टर, वह मेरा भाई है, दैट इज माय ब्रदर, या ही इज माय ब्रदर। क्या तुम बिजी हो, आर यू बिजी, क्या तुम राम हो, आर यू राम। बात आती है ये कहां से आया आर यू राम, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, हम 6 सेंटेंस बना सकते हैं। कैसे, ये मेरा जॉब है, दिस इज माय जॉब, ये मेरा जॉब नहीं है, दिस इज नॉट माय जॉब। क्या ये मेरा जॉब है, इज दिस माय जॉब, क्या ये मेरा जॉब नहीं है, इज नॉट दिस माय जॉब, या इज दिस नॉट माय जॉब, ये मेरा जॉब क्यों है, व्हाई इज दिस माय जॉब, व्हाई इज नॉट दिस माय जॉब, ये मेरा जॉब क्यों नहीं है। ऐसे हमने 6 सेंटेंस बनाए हैं, मैं राम हूँ, आई एम राम, आई एम नॉट राम, एम आई राम, एम नॉट आई राम, व्हाई एम आई राम, व्हाई एम नॉट आई राम, ये हमारा टू बी वर्ब का है। अगर हम बात करेंगे मॉडल का कैन, कुड, शुड, इनके भी हम 6 सेंटेंस इसलिए बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। मैंने कहा मैं देख सकता हूँ, आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ तुम्हें, तो आई कैन सी यू। याद करिए, वर्ब से अगर आप व्हाट, हुम, वेयर पूछते हैं तो उत्तर में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। मैं देख सकता हूँ किसे, हुम, तुम्हें, यू, तो आई कैन सी यू। मना कर दीजिए, आई कैन नॉट सी यू। क्या मैं तुम्हें देख सकता हूँ, कैन आई सी यू। क्या मैं तुम्हें नहीं देख सकता, कैन नॉट आई सी यू। मैं तुम्हें क्यों देख सकता हूँ, व्हाई कैन आई सी यू। मैं तुम्हें क्यों नहीं देख सकता, व्हाई कैन नॉट आई सी यू। अगर मैं सका लगा दूंगा तो कुड हो जाएगा, मैं तुम्हें देख सका, आई कुड सी यू। मैं तुम्हें नहीं देख सका, आई कुड नॉट सी यू। क्या मैं तुम्हें देख सका, कुड आई सी यू। क्या मैं तुम्हें नहीं देख सका, कुड नॉट आई सी यू। मैं तुम्हें क्यों देख सका, व्हाई कुड आई सी यू। मैं तुम्हें क्यों नहीं देख सका, व्हाई कुड नॉट आई सी यू। ये हमारा प्रैक्टिसेशन टू बी वर्ब, इंपेरेटिव, इनके साथ प्रपोजिशन हमारे लगा ही रहे हम। अब देखते हैं कंजंक्शन पर। मैं राम से कह सकता हूँ कि तुम मेरे दोस्त हो, आई कैन से राम दैट यू आर माई फ्रेंड। तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि ये तुम्हारी क्लास नहीं है, यू कैन गो फ्रॉम हेयर बिकॉज दिस इज नॉट योर क्लास। मैं देख सकता हूँ पर तुम नहीं देख सकते, आई कैन सी बट यू कैन नॉट सी। मैं तुमसे मिल सकता हूँ पर तुम मुझसे नहीं मिल सकते, आई कैन मीट यू बट यू कैन नॉट मीट मी। हम इस तरीके से ये हमारा अगला सेशन फिर प्रैक्टिस कर लेके आएंगे। ये आपका रिपीट रहा, 5 वीडियो आपको मुबारक हो, और ये वीडियो आपको मुबारक हो, इन 6 वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किसी प्रकार की कोई अगर आपको दिक्कत होती है आप कमेंट जरूर दें। मैं अगले वीडियो में बहुत धमाकेदार वीडियो लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको टेंस में प्रॉब्लम है। टेंस हम एक बहुत खूबसूरत रूप में पढ़ेंगे, बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ेंगे, जिसमें कभी उसको पढ़ने के बाद आपको टेंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा प्रीति साहब से वादा करता है, दावा करता है। थैंक यू, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड नाइट।